मॉर्निंग क्लास। आज हिंदी व्याकरण में पाठ दो वर्ण विचार के अंतर्गत मैं भाग चार पढ़ाऊंगी, जिसमें व्यंजन के और भेदों के बारे में बताया जाएगा। स्पर्श व्यंजन आप पिछली वीडियो में समझ चुके हैं, अब मैं आपको इसका जो दूसरा है अंतस्थ व्यंजन वो बताऊंगी। अंतस्थ व्यंजन हमारे चार हैं, य, र, ल और व। अंतस्थ का अर्थ होता है बीच का। इसका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होंठों के निकट आने से होता है। फिर है तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन बोलते समय हमारे मुख में एक गर्मी सी उत्पन्न होती है, जो मुख में वायु टकराने से उत्पन्न होती है। ऊष्म व्यंजन भी हमारे चार हैं, श, श, स और ख। चौथा है आगत। आगत तो वे वर्ण हैं, वे व्यंजन हैं जो हमारी भाषा के ना होकर वो किसी विदेशी भाषा के हैं। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के जो वर्ण हैं वो हमारे आगत में हैं। इसमें उर्दू और फारसी के वर्ण हैं। आगत भी हमारे दो हैं, ज और फ। अब इसमें ये जो बिंदी लगी है इसको नुक्ता कहा जाता है, और इस नुक्ता लगने से इनका उच्चारण जो है वो परिवर्तन हो जाता है। अब इसको नुक्ता लगने से हम इसे जा और इसमें लगने से फा बोलेंगे। तो जा जैसे जोर, फौरन। थैंक यू।